नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो अवधारणा के आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें तो विकास के सिद्धांत पर आज हम बात करेंगे। तो विकास के सिद्धांत क्या हैं, कैसे है, पूरी बात बारीकी के साथ। अब इसमें जब हम बात करेंगे कि विकास के सिद्धांत क्या हैं, कैसे किसी भी स्टूडेंट का या कैसे किसी चाइल्ड का प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, कोई बालक किस सिद्धांत के आधार पर, किन पहलुओं के आधार पर आगे ग्रोथ करता है या आगे उसका डेवलपमेंट होता है। जैसे कल हमने बात की थी कि वृद्धि और विकास क्या होता है, तो वृद्धि में हमने बताया था कि वो ग्रोथ होता है, बालक जैसे जैसे अपने शारीरिक आधार पर बढ़ता चला जाता है वो उसकी वृद्धि होती है। लेकिन उसका चहुमुखी विकास हो, जहाँ शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, संवेगात्मक विकास भी हो, सामाजिक विकास भी हो, बालक फिजिकल बढ़े, मेंटल बढ़े, इमोशनल बढ़े, सोशल बढ़े, लैंग्विस्टिक बढ़े, तो ये सब मिला करके उसका विकास कहलाता है, जहाँ उसकी हर पहलू पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वृद्धि हो रही हो और विकास गुणात्मक होता है। अब जब हम बात करेंगे कि विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं, पहला है विकास एक अविराम प्रक्रिया है। विकास एक अविराम प्रक्रिया है, पहला पॉइंट हम बात कर रहे हैं, विकास एक अविराम प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये हमने पहले भी बात की थी, क्योंकि ये विकास अविराम प्रक्रिया क्यों है, क्योंकि ये जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जीवन भर चलता रहता है, इसलिए एक अविराम प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। अब अगर हम देखें कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ साथ, कहाँ गया साफ करने वाला, कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ साथ अब जीवन पर्यंत चलेगी ये प्रक्रिया, विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहेगा, जन्म से मृत्यु तक। दूसरा लिखा है विकास एक निश्चित प्रतिरूप होता है, एक उसका निश्चित पैटर्न होता है कि डेवलपमेंट होगा तो कैसे होगा। जो निश्चित पैटर्न है वो क्या क्या है, तो इसके दो प्रकार के पैटर्न होते हैं। कौन कौन से दो पैटर्न होते हैं, तो पहला पैटर्न जो है उसको कहा जाता है मस्तकोधमुखी, मस्तकोधमुखी विकास, मस्तकोधमुखी, जिसको कहते हैं सेफाकॉडल, सेफाकॉडल डेवलपमेंट सीक्वेंस, एक मस्तकोधमुखी विकास होता है। और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं केंद्रोन्मुखी, या इसको कहा जाता है निकट से दूर, केंद्रोन्मुखी, जिसको बोलते हैं प्रोक्सीमेंटल्स डेवलपमेंट सीक्वेंस। दो प्रकार का, एक होता है जिसमें बालक का पहले सिर बड़ा होता है जो ऊपर मस्तकोधमुखी, या इसको कहते हैं सिर से पैर की ओर मस्तकोधमुखी को, कि बालक का सिर बड़ा होगा, फिर धड़ बड़ा होगा, फिर पैर, ये सीक्वेंस चलता है बालक का। तो 90% कैंडिडेट, बल्कि 99% कैंडिडेट जो होते हैं मस्तकोधमुखी होते हैं, कुछ होते हैं केंद्रोन्मुखी, जिनका पहले बीच का धड़ बड़ा होगा, फिर मस्तक और हाथ पैर बड़े होंगे, तो ये होते हैं केंद्रोन्मुखी विकास। ये हुआ विकास का एक निश्चित प्रतिरूप, एक लिमिटेड पैटर्न है जिस पर उसका डेवलपमेंट प्रोसेस चलेगा। तो ये आपने समझे, ये ऊपर के हमारे दो बिंदु हो गए। ठीक, अब इसके बाद बात आती है कि विकास सामान्य से विशेष, विशेष की ओर होता है, डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये था डेवलपमेंट का एक सैटर्न पैटर्न होता है, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। बालक सबसे पहले जो काम शुरू करता है बालक, तो बालक सबसे पहले सामान्य क्रियाएं करता है, जनरल वर्क करेगा, फिर उसके बाद जनरल काम करने के बाद फिर विशेष करेगा, फिर स्पेसिफिक थिंग्स करेगा। मींस पहले बालक मुस्कुराना सीखेगा, फिर हंसना सीखेगा, पहले तुतलाना सीखेगा, फिर बोलना सीखेगा। जैसे भाषाई विकास की बात करें तो सबसे पहले बालक जब जन्म लेता है तो क्रंदन करता है, क्रंदन के बाद जिसको हम क्राइंग बोलते हैं, फिर बबलन मींस बबलिंग करता है, फिर वो उसके बाद हाव भाव जेस्टरिंग करता है, अपने हाव भाव प्रकट करता है। तो वो एक पैटर्न है कि हर बालक पहले सामान्य क्रिया करेगा। यही अगर हम बात देखें लर्निंग प्रोसेस में अधिगम में, सामान्य से विशेष की ओर कैसे होगा, तो हम बालक को पहले
हल चल नल जल ये लिखना सिखाते हैं, टम टम डम डम झम झम ये लिखाने के बाद फिर हम उसके कहते हैं कि अब लिखो आविर्भाव कार्य क्रियान्वयन। हिंदी में ऐसे ही तो होता है भाई, पहले हम सामान्य शब्द लिखवाते हैं फिर हम विशिष्ट शब्द लिखवाते हैं। तो ये हुआ जनरल टू स्पेसिफिक, मीन सामान्य से विशेष की ओर। फिर अगला है हमारे पास जिसको हम कहते हैं विकास की अवस्थाओं के अनुरूप। ये विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है, डेवलपमेंट प्रोसेस बाई स्टेजेस या बाई स्टेज। अब यहाँ अगर हम बात करें कि विकास अवस्था के अनुरूप होता है कैसे, कि उम्र बढ़ने के साथ साथ, यहाँ बात समझेंगे कि अवस्था के अनुरूप मतलब क्या है कि उम्र के अनुसार विकास पर प्रभाव पड़ता जाता है। मींस जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, स्टेज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसमें डेवलपमेंट ज़्यादा होता चला जाता है। इन जनरल वे अगर हम बात करें कि हमारे पास एक इन्फेंट्स है, एक हमारे पास चाइल्डहुड कैंडिडेट है, एक हमारे पास एडोलसेंस है, एक शैशवावस्था का बालक है, एक बाल्यावस्था का, एक किशोर अवस्था का। तो हम ये मान लेते हैं कि जो किशोर बालक है जिसकी उम्र 12 वर्ष या 18 वर्ष है वो उस बालक से अधिक जानकार और अधिक बड़ा है जिसकी उम्र 2 से 3 साल है या 2 से 6 साल शैशवावस्था में जो बच्चा जी रहा है। ये कॉमन सेंस की बात है भाई, उम्र अधिक हो गई तो आपका विकास भी अधिक हो गया, एक मानक है। लेकिन अब आप ये न कह दें कि मानो उसका बुद्धि लब्ध या उसकी बुद्धि आईक्यू लेवल जो है वो 25 से कम है, उसका दिमाग चिपका हुआ है, तब तो बात अलग की है। लेकिन ऐसे जनरली क्या होता है कि उम्र यदि बढ़ गई तो बालक का विकास भी बढ़ा है, अर्थात अवस्थाओं के अनुसार उसका विकास होता है। फिर आए विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस डिपेंड कॉन्स्टेंट्स इन डेवलपमेंट। अब जो भी उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, वैयक्तिक भिन्नताएं हैं, व्यक्तिगत विभेद हैं, वो सदैव स्थिर रहते हैं। मतलब यदि कोई बालक है, प्रत्यागमन के सिद्धांत के आधार पर देखें या अनुवांशिक आधार पर भी आप देखें, तो 8 पीढ़ियों तक का प्रभाव किसी भी बालक पर हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है किसी बालक के माता पिता कम बुद्धिजीवी हों और बालक उनसे अधिक बुद्धिजीवी पैदा हो सकता है, या कुछ माता पिता ऐसे हों जो अधिक बुद्धिजीवी हों उनका बालक उनसे कम बुद्धिजीवी भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत से कारण देखे जाते हैं कि वैयक्तिक भिन्नता जहाँ पाई जाती है, कि माता पिता गायक नहीं थे लेकिन बालक वो इंडिविजुअल डिफरेंस है जन्म से लेकर आया। वैयक्तिक भिन्नता जब हम अलग से पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ और प्रकाश पड़ रहा होगा। बालक जो जन्म से चीज़ें लेके आता है उसे कहते हैं वैयक्तिक भिन्नता। जुड़वा 2 बच्चे पैदा हों इस पूरी प्रकृति में, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, एक शब्द आपने सुना होगा अहम ब्रह्माष्टमी, हम मैं ही ब्रह्मा हूँ, इसका ये भी कई वैज्ञानिक या विद्वान लोग इसका ये अनुवाद करते हैं। लेकिन इसका साइकोलॉजी के आधार पर अगर देखें तो अहम ब्रह्माष्टमी, मैं भी ब्रह्मा का स्वरूप हूँ, अर्थात मैं भी एक यूनिक थिंग हूँ। एवरी कैंडिडेट हु बॉर्न ऑन द अर्थ हैव अ इंडिविजुअल डिफरेंसेज एंड हु आइडेंटिफाई बाई द यूनिकनेस। मतलब हर व्यक्ति एक व्यक्ति भिन्नता लेके आता है जो उसको किसी दूसरे से अलग और अद्वितीय बनाता है। ये भी बात व्यक्तिक भिन्नता में कही जा सकती है। फिर आए विकास की गति में तीव्रता एवं मंदता पाई जाती है, डेवलपमेंट प्रोसेस इन स्पाइरल फैशन। कि यहाँ पर हमने बात की वो तीव्रता पाई जाती है और मंदता पाई जाती है, कहीं कभी विकास तीव्र हो जाएगा, कभी विकास धीमा हो जाएगा। वैज्ञानिकों की अगर माने तो वैज्ञानिक ये बताते हैं कि विकास सबसे तीव्र जिस अवस्था में होता है उसे कहते हैं गर्भावस्था। लेकिन जन्म लेने के बाद की अगर अवस्थाओं की बात करें, क्योंकि जो गर्भावस्था होती उसमें बालक का चौमुखी विकास तो नहीं लेकिन शारीरिक विकास जिसे हम वृद्धि कहते हैं सबसे तीव्र होता। लेकिन जन्म के बाद अगर हम बात करें तो सबसे तीव्र विकास बालक का किसी अवस्था में होता तो वह है शैशवावस्था। बात को बहुत स्मूथली समझेंगे, बात सरल है लेकिन सहज नहीं, बात को आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर कोई बात डाउट होता है आपको किसी भी क्लास का तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट तो आप पूछ ही रहे हैं, तो बिल्कुल बेफिक्र होकर के आपके सुझाव और आपकी बातें हमें स्वीकार रहेंगी, लेकिन प्रश्न आधार पर ही। अब विकास की गति में तीव्रता और मंदता पाई जाती है, तो सबसे तीव्र विकास हमने कहा गर्भावस्था में होता है, जन्म के बाद कहें तो शैशवावस्था में सबसे तीव्र विकास होता है। फिर
उसके बाद मंदता का काल आता है बाल्यावस्था, तीव्रता का काल था शैशवावस्था, फिर मंदता आई बाल्यावस्था में, फिर बालक जैसे ही बाल्यावस्था को क्रॉस कर किशोरावस्था में आना प्रारंभ किया तो एकाएक वया संधि के समय वही 12 वर्ष 11 वर्ष के आसपास, या कुछ ही बालक का 13 वर्ष हो सकता है, 14 भी हो सकता है, मैंने यहाँ भी ऊपर कहा व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर पाए जाते हैं, वो उसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेज हो सकती है। अब उस बालक में एकदम से किशोरावस्था में देखते हैं फिर से तीव्रता के साथ उसके शरीर में वृद्धि होनी शुरू हुई या कोई ऐसा चेंजमेंट आना शुरू हुआ, उसको कहते हैं कि ये तीव्रता और मंदता पाई जाती है। किसी की दाढ़ी मूछें 17 साल में आ जाती हैं, किसी की 22 साल में आती हैं, तो वो हो जाता है। फिर है विकास, परिपक्वता एवं शिक्षण का परिणाम होता है, डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरनेस एंड लर्निंग, मैच्योरनेस एंड लर्निंग, हियर परिपक्वता और शिक्षण, शिक्षण ही लर्निंग है, परिपक्वता मैच्योरनेस है कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति मैच्योर होता जाएगा उसका विकास ज़्यादा माना जाएगा, जैसे जैसे कोई शिक्षित होता जाएगा उसका विकास और भी ज़्यादा माना जाएगा। सपोज दैट आपने बीएड किया, आपने बीटीसी किया, आप अधिक परिपक्व हैं या अधिक शिक्षित हैं, किस आधार पर आप अपने को विकसित मानते हैं, तो आप यहाँ शिक्षित हैं लेकिन आपको सामाजिक ज्ञान, आपको पारिवारिक ज्ञान उतना नहीं है जितना एक सब्जी बेचने वाले को है, क्योंकि उसको ज्ञान किस बेसिस पे है, परिपक्वता के आधार पर, किस आधार पर है, परिपक्वता के आधार पर, जबकि आपको किस आधार पर है, शिक्षण के आधार पर, सही है। आपसे अगर कहा जाए आपके पिताजी ने इंटर पास किया, ठीक, आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड बीटीसी कर लिया, आप अपने पिताजी से अधिक विकसित हैं या कम विकसित हैं, आप कह देंगे कि हम शैक्षणिक आधार पर उनसे ज़्यादा हैं लेकिन परिपक्वता का आधार पर हमसे ज़्यादा पिताजी विकसित हैं या उनमें विकास हुआ है, क्यों, क्योंकि ये दोनों चीज़ें, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के पास ये दोनों चीज़ें हैं, स्कूल का प्रधानाध्यापक उस परिपक्व भी है और शिक्षित भी है, बोथ थिंग्स दे आर प्रेजेंट मीन्स वहाँ पर मैच्योरनेस भी है और लर्निंग भी है, ये दोनों चीज़ें आ जाती तो वेरी गुड है, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, विकास में विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं, वेरियस फॉर्म्स एंड आर इंटर रिलेटेड इन डेवलपमेंट, जितने भी स्वरूप हैं वो परस्पर क्या हैं, इंटर रिलेटेड हैं, संबंधित हैं, परस्पर संबंधित हैं, मतलब आपने जैसे सपोज दैट बालक ने खिसकना शुरू किया, पहले शुरू शुरू में बैठने के बाद खिसकना शुरू किया, फिर घुटनों पर चलना शुरू किया, फिर वस्तु का सहारा लेकर खड़े होना शुरू किया और फिर वस्तु का सहारा लिए लिए चलना शुरू किया, ये सारी बातें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या नहीं। भाई बालक ने सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले बालक ने बैठना शुरू किया, अगर वो बैठता नहीं तो उसकी मेय रज्जु कैसे कंट्रोल में आती हैं, अगर वो खड़ा नहीं होता तो उसका बॉडी पॉस्चर कैसे बैलेंस्ड होता, भाई विथाउट बैलेंसिंग यू आर नॉट एबल फॉर वॉकिंग आर रनिंग, आप बिना बैलेंसिंग के ना चलने लायक हैं ना दौड़ने लायक हैं, यही तो है भाई, आपको पहले बैलेंसिंग करना, तो हर चीज़ विकास का कोई भी पहलू हो, मैंने यहाँ चलने की बात की, आप अध्ययन की बात कर लें, ABCDA to Z 26 कैरेक्टर हैं, आपने जब ये पहले सीखे थे तो इनका संबंध टेंस से है या नहीं है, इनका संबंध राइटिंग से है या नहीं है, इनका संबंध रीडिंग से है या नहीं है, ये स्क्रिप्ट के बेस पॉइंट है या नहीं है, सब कुछ है। तो भाई आपने जब कुछ भी शुरू किया उसमें सबसे पहले जो कुछ भी आपने सीखा वो दूसरी चीज से संबंधित थी, आपको हम कहें कि कल से आपको दौड़ना है, आप इकट्ठे दौड़ने लगेंगे या पहले आप उतनी दूरी तक धीरे 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 करके पहुंचेंगे, पहले आप चलेंगे, अगर 5 किलोमीटर किसी को दौड़ाना है तो पहले उसको 5 किलोमीटर टहला के देखो एक दिन, अगर टहलने में मुंह के बल गिर जाए तो दौड़ाने की तो उम्मीद ही खत्म है। तो मतलब यहाँ ये है कि हर चीज एक दूसरे से आपस में इंटर रिलेटेड होती है, ये आपके सामने क्या लिखे हुए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, मतलब विकास के सिद्धांत लिखे हुए हैं, क्लियर। एक बार पुनः देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, विकास एक अविराम प्रक्रिया है, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, विकास एक निश्चित प्रतिरूप में होता है, डेवलपमेंट फॉलो सर्टेन पैटर्न,
विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है, डेवलपमेंट प्रोसीड बाय स्टेजेस, विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिमेन कांस्टेंट इन डेवलपमेंट, विकास की गति में तीव्रता और मंदता पाई जाती है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन स्पाइरल फैशन, विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है, डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम मैच्योरनेस एंड लर्निंग, एंड विकास में विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं, वेरियस फॉर्म्स आर इंटर रिलेटेड इन डेवलपमेंट। क्लियर, ये इतने हैं इनकी जो कॉन्सेप्ट हमने पूरे पूरे आपको बताए, ये तो डायरेक्ट ही है, सिद्धांत से प्रश्न नहीं आएगा, सिद्धांत के कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर रहे तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना बन जाती है। क्लियर, विकास के सिद्धांत की अगर हम फिर आगे बढ़ें तो उसमें हम पाते हैं कि दो और बातें मिल जाती हैं हमें, एक मिल जाती है हमें विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और दूसरा हमें मिल जाता है विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, दो और टॉपिक मिल जाते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट जो इधर लिखे हैं और इस तरफ आपके लिखे हुए हैं विकास की अवस्थाएं। तो ये जो पहली हमने चार अवस्थाएं लिखी हैं, इधर ये हमने कुछ और ज़्यादा अवस्थाएं लिखी हैं, तो ये जो चार अवस्थाएं दी गई हैं, ये चार की चार, जिसमें शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, ये चार की चारों अवस्थाएं जो दी गई वो दी गई हैं एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉस, किसके द्वारा, रॉस महोदय के द्वारा ये चारों अवस्थाएं दी गई हैं। यहाँ बड़ा सरल प्रश्न बनेगा कि रॉस महोदय ने शैशवावस्था की आयु कितनी बताई है, पूर्व बाल्यावस्था की वो आयु कितनी बताई, उत्तर बाल्यावस्था कितनी बताई, किशोरावस्था कितनी बताई है, जबकि ये जो इस तरफ की हमारी दी हुई अवस्थाएं हैं, ये जो अवस्थाएं दी हुई हैं इनको बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था हरलॉक। क्लियर, ये हरलॉक महोदय ने बताई हैं अवस्थाएं, तो इन पर भी चर्चा करेंगे, ये पूरी की पूरी भी बात करेंगे और पहले इधर वाली की बात कर लेते हैं। देखिएगा, शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था की बात करेंगे, पहले रॉस महोदय वाली बात चलेगी, अभी पहले ये बात कर लेते हैं कि उम्र पता चल जाए, फिर हम प्रभावित करने वाले कारक पे पहुंचेंगे। रॉस महोदय ने शैशवावस्था की उम्र 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक निर्धारित की है, 1 to 3 years, जन्म से लेकर के 1 साल तक या 3 साल तक, किसने माना, रॉस महोदय ने। पूर्व बाल्यावस्था कब से शुरू होती है, तो 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था इन्होंने मानी 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक। क्लियर, ये ईयर लिख रहे हैं जो वाई आर लिख रहे हैं, और किशोरावस्था मानी 12 वर्ष से लेकर के और 18 वर्ष तक। क्लियर, किसने मानी ये अवस्थाएं, मान ली हैं रॉस महोदय ने। अब आते हैं आगे बढ़ते और पता करते कि हरलॉक महोदय ने उम्र क्या क्या मानी है। पहली अवस्था है गर्भावस्था प्रीनेटल एज, शैशवावस्था इन्फेंसी, बचपनावस्था जिसको हम बोलते हैं वो अर्लीहुड मान लेंगे इसको, और ये जो आपका पूर्व बाल्यावस्था इसे मानेंगे अर्ली चाइल्डहुड, बेबीहुड, बचपनावस्था को बेबीहुड, पूर्व बाल्यावस्था को अर्ली चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था लेट चाइल्डहुड, वयासंधि को प्यूबर्टी, पूर्व किशोरावस्था अर्ली एडोलसेंस, उत्तर किशोरावस्था लेट एडोलसेंस, प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड, मध्यावस्था मिडिल एज और वृद्धावस्था ओल्ड एज। ये हमने यहाँ लगभग 11 अवस्थाएँ इनकी लिखी हैं, लगभग क्या पूरी ही 11 हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, टोटल 11 अवस्थाएँ। गर्भावस्था जो है ये जन्म से लेकर, ये जन्म के पूर्व की अवस्था है, जन्म के पूर्व, बिफोर बर्थ, ठीक, प्रीनेटल एज है। शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह
जन्म से 2 सप्ताह तक, बचपनावस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक है कौन सी? बचपनावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक, कौन सी अवस्था है? पूर्व बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक। ये वर्ष जो मैं लिख रहा हूं ये किसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूं? अकॉर्डिंग टू हर्ड लॉक। अभी मैं ओरल भी बताऊंगा कितनी कितनी मानी जाती है जनरल। वया संधि कब से है? तो 12 वर्ष या से लेकर के 12 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बीच में कभी भी वया संधि हो सकती है। पूर्व किशोरावस्था 12 वर्ष से लेकर के आपकी मानी जाती है 16 वर्ष तक, और उत्तर किशोरावस्था 16 वर्ष से लेकर के 18 या 21, यहाँ देखो दो शब्द हमने लिखे हैं 18 या 21। प्रौढ़ावस्था शुरू होती है 21 से 40 वर्ष तक, वर्ष सब में है 40 वर्ष तक। मध्यावस्था 41 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक, और वृद्धावस्था 60 वर्ष से शुरू होकर और खुदागंज तक, जब तक आदमी मरता नहीं तब तक की अवस्था मान जाती वृद्धावस्था। ये पूरी बातें किसने बताई हैं? हरलाक महोदय ने दी हैं। अभी देखिए जन्म के पहले की बात करेंगे, जब तक बालक का जन्म नहीं हुआ तो ये पूरी अवस्था कौन सी कहलाई? उसकी गर्भाधान से लेकर के और जन्म ना होने तक 9 माह, जो 270 दिन लगभग माने जाते हैं, वो कौन सी अवस्था है? गर्भावस्था। फिर शैशवावस्था 2 सप्ताह तक, बचपनावस्था 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था मतलब 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक दी ही इन्होंने। वयासंधि 12 वर्ष से 14 वर्ष, पूर्व किशोरावस्था 14 वर्ष से शुरू होकर या 12 वर्ष से शुरू होकर 16 वर्ष तक, उत्तर किशोरावस्था 21 वर्ष तक पूरी जाएगी, प्रौढ़ावस्था 40 साल तक पूरी जानी है, और मध्यावस्था 60 साल तक जानी है, वृद्धावस्था 60 के बाद होनी। जबकि ऐसे जनरल वे में जो हम 3 अवस्थाएं हमारे एग्जाम में अधिक पूछी जाती, पहली शैशवावस्था, दूसरी बाल्यावस्था और तीसरी किशोरावस्था 12 से 14 और 12 से 16, 14 से 16 कहाँ? ये ऊपर वाली, ये हाँ। ये 16 16 दोनों, ये 16 खत्म, ये 16 शुरू, ऊपर वाली 12 से। देखो वया संधि जिस प्यूबर्टी है 12 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक है, ठीक। किसी व्यक्ति को वया संधि, किसी बालक या बालिका को वया संधि का मतलब होता है कि व्यक्ति का किशोरावस्था में कदम पड़ना, किशोरावस्था में कदम पड़ना। तो कदम यदि उसका पड़ेगा तो चाहे 12 वर्ष में पड़ जाए, या कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं, अभी हमने पीछे कहा था कि उस व्यक्ति बालक में होता है वैयक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेज। क्या होता है? वैयक्तिक भिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेज होता है। किसी भी बालक में इंडिविजुअल डिफरेंसेज के चलते अगर 11 वर्ष में वया संधि आ गई, वो एकाएक उसके जनन अंग का परिपक्व हो जाना ही कहलाता है वया संधि। क्या कहलाता है? जनन अंगों का परिपक्व हो जाना, चाहे 11 वर्ष में हो जाए, 12 वर्ष में हो जाए, 13 वर्ष में हो जाए या 14 वर्ष में हो जाए। ये मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम प्यूबर्टी है, कौन सा? 14 वर्ष। जब हो जाएगा तभी से कौन सी अवस्था शुरू होगी? पूर्व किशोरावस्था। विथाउट वया मतलब प्यूबर्टी वो एडोलसेंस में कदम नहीं रखेगा। क्लियर? जैसे ही बात समझ में आई ना, जब तक उसका प्यूबर्टी टाइम पूरा नहीं होगा तब तक वो किशोरावस्था में कदम नहीं रखेगा, ठीक। ये बात मानी जाती है। अब हम आ रहे थे, देखो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये किसी ने नहीं कही है। ये कही वाली तो हमने राज की लिख दी है, हरलाक की लिख दी है। ये जो लिखने जा रहे हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, क्योंकि प्रश्न जो एग्जाम में है वो इन 3 अवस्थाओं से आते ही आते हैं। शैशवावस्था जो ऐसे जनरल चलती है वो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, ठीक। बालक क्या माना जाता है? शैशवावस्था में चल रहा शिशु है। बाल्यावस्था कब से शुरू होती? 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। और किशोरावस्था कब से चलती? 12 वर्ष से लेकर के 18 या 21 वर्ष तक। क्लियर? ये एक जनरल पीरियड ऑफ टाइम है। क्लियर? तो ये रही बात सामान्य वाली। अब इधर देखो जो हमने लिखा है ये थोड़ा
ठीक ठाक बात भी है और ये कॉन्सेप्चुअल बात भी है। ये तो एकदम फैक्चुअल बात थी जो किसी वैज्ञानिक ने दी है, एकदम फैक्ट है कि रास का पूछेगा शैशवावस्था तो 1 वर्ष से 3 वर्ष ही टिक करेंगे, उसमें फिर इधर उधर नहीं करेंगे। रास की पूर्व बाल्यावस्था पूछेगा तो 3 से 6 टिक करेंगे, और अगर हरला की शैशव पूर्व बाल्यावस्था पूछेगा तो 2 से 6 टिक करेंगे। दोनों में अंतर देखो, ये 3 से 6 है, ये 2 से 6 है। उत्तर बाल्यावस्था ये 6 से 12, इनकी भी 6 से 12 है ना। कोई उत्तर बाल्यावस्था और आगे किशोरावस्था में कोई दिक्कत नहीं, किशोरावस्था 12 से 18 जो 12 से 18 होती है, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 होती वो है, बस इनकी पूर्व बाल्यावस्था शैशवावस्था में है दिक्कत। किसकी? रास की। आगे इन्होंने बढ़ाया नहीं, 4 तक ही पहुंच पाए, और हालांकि इतने होशियार निकले, गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक पूरा ठोक के चले आए। तो अब आते हैं इधर, इनके फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट, जो एरिया ऑफ डेवलपमेंट को अफेक्टेड करने वाले थिंग्स हैं वो देखेंगे। पहला है वंशानुक्रम हेरिडिटी, दूसरा है वातावरण एनवायरमेंट, तीसरा है आहार न्यूट्रिशन, चौथा है रोग डिजीजेज, पांचवा है अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये इसको इंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, बुद्धि जिसको इंटेलिजेंस बोलते हैं, और यौन जिसको सेक्स कहते हैं। क्लियर? ये इतने टॉपिक हमारे पास हैं कि कैसे अफेक्टेड करते हैं ये बात समझेंगे। तो एक वैज्ञानिक थे डिंक मेयर, क्या नाम था? डिंक मेयर। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, वो बात को लिख भी लेना, कोट भी कर लेना। उन्होंने कहा कि किसी भी बालक का शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, रंग रूप एवं वाणी, क्या कहा? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, रंग रूप एवं वाणी का जो भी कुछ चेंजमेंट होता है वह मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? वंशानुक्रम पर। मैंने डिंक मेयर बोला है, ठीक। एक वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं जिन्होंने वंशानुक्रम को बहुत कायदे से बताया है पूरा, उनकी बात नहीं मैं डिंक मेयर कह रहा हूँ, पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है किसका? वंशानुक्रम का। तथा वातावरण उसमें सहायक होता है, जितना भी प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ रहा होता है उसमें प्रभाव किसका भी दिखता है? वातावरण का। एक वैज्ञानिक गुदेनेफ है जिन्होंने कहा कि बालक का जो भी विकास है वो वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण का गुणन फल होता है। अब यहाँ एक बात समझने वाली ये है कि वंशानुक्रम क्या चीज है। वंशानुक्रम मतलब है माता और पिता से संतानों में आए हुए गुण। किसमें? संतान, वो पुत्र हो, पुत्री हो, बालक हो, बालिका हो, बॉय हो, गर्ल हो, उसमें जो भी गुण आते हैं वो सब हेरिडिटी से आते हैं, अर्थात वंशानुक्रम से आते हैं, उसकी जेनेटिक्स से आते हैं। अब जब ये सब कुछ आ गया, एक बालक था जिसका जन्म जो बाइडेन के घर में हुआ, डोनाल्ड ट्रंप के घर में हुआ, बराक ओबामा के घर में हुआ, क्लियर है? वंशानुक्रम तो एक नंबर चल रहा है ना, उसका कोई दिक्कत तो नहीं है वहाँ जन्म लेने की, लेकिन उसको वातावरण हमने अफगानिस्तान का दे दिया, उसको ला के कहाँ डाल दिया? अफगानिस्तान में, बेटा इधर रहो तुम। अब उसको अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार चलाना सीखना है या नहीं है? सीखना है। बिना राइफल, बिना गोली, बिना बम, बिना बारूद के जीवन यापन संभव है? नहीं संभव। मस्तिष्क क्या हुआ? संकुचित हो गई मानसिक दृष्टिकोण, उसका बुद्धि लब्धि नहीं उसकी कम हुई, लेकिन उसकी जो बुद्धि लब्धि थी, जो उसके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव में खपत होनी थी, जो उसको सीनेट में जाने के लिए थी, जो उसको पार्लियामेंट में भेजती, वो सब उठा के कहाँ चली गई? वो फायरिंग में चली गई। पूरा दिमाग अपना अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में लगा दिया, जीवन यापन करने में लगा दिया। यही तो हुआ भाई, प्रोसेस तो यही हुआ ना उसका। अब जब ये सारा प्रोसेस उसका चल रहा होगा तो ये सारी बातें, उसकी दूसरा प्रभाव हमने किसका बताया? वातावरण का। भाई पैदा वो कहाँ हुआ? वो वंशानुक्रम था। प्रभाव किसका पड़ा? ये एनवायरमेंट का पड़ा, वातावरण का पड़ा। फिर आते हैं किसके पास? आहार के पास। हमने कहा था बालक का सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होता है वो कहाँ होता है, कब होता है? तो हमने कहा सबसे ज्यादा ग्रोथ बालक का पहले होता है गर्भावस्था में, फिर जन्म लेने के बाद शैशवावस्था में। गर्भावस्था में बालक वही खाना उसके पास पहुंचेगा, वही खाद्यान्न, वही मिनरल्स, वही विटामिन्स उसको पहुंचेंगे जो माँ के भोजन में जा रहे हैं। सही है? यहाँ देखो, फूड नहीं हमने लिखा, क्या लिखा? न्यूट्रिशन। आहार लिखा है, भोजन नहीं लिखा।
आहार के अंतर्गत भोजन नहीं पूर्ण संतुलित आहार आता है ना। अब यहां समझने वाली बात है, जो कुछ माँ ने खाया वही पुत्र तक पहुंचा। फिर जन्म के 6 माह तक बालक सिर्फ माँ के दूध पर निर्भर करता है। अब वही बालक के पास पहुंचेगा जो माँ खा रही होगी। अगर उसको संतुलित आहार नहीं मिल रहा है या वो भूखी रह रही है तो बालक को भी भूखा रहना पड़ेगा। बालक के पास भी मिनरल्स कम मात्रा में पहुंचेंगे। जो कुछ आप बालक को देना चाहते हैं वो आपको देना कैसे होगा, उसकी माँ को देना होगा। तो न्यूट्रिशन पहुंचाने का बड़ा एक वो है, आपने सुना होगा कुपोषित बालक जो स्लम एरियाज में रहते हैं, कुपोषित बालक, वो कुपोषित किसकी वजह से हो जाते हैं, आहार की वजह से। तो ये है, तो आहार के अंतर्गत हम किसको रख सकते हैं अगर बात करें तो आहार में हम रखेंगे किसको, तो यहाँ बात आएगी किसकी, खनिज की, खनिज और विटामिन, क्लियर। ये भोजन के बाद अब आगे बात आई रोग या डिजीजेज। तो किसी भी बालक को 2 वर्ष तक, कितने साल तक, 2 वर्ष तक यदि कोई गंभीर जघन्य बीमारी ना हो, गंभीर या जघन्य बीमारी ना हो, तो ये मान लिया जाता है कि बालक का शारीरिक विकास पे कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं है, कतई नहीं पड़ना। अच्छा, फिर इसके बाद किसकी बात आई, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां, बालक की आवाज़ का मोटी हो जाना, बालिका की आवाज़ का पतली हो जाना, ठीक। ये उसकी अंतःस्रावी ग्रंथि, पैराथायराइड ग्लैंड जो उसकी हड्डियों को मजबूत करती हैं, ये सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां भी किसी बालक की वृद्धि में, शारीरिक वृद्धि में सहायक हैं। और आप एक बात और जानते हैं, न जानते हैं तो जान लें, किसी भी बालक का शारीरिक विकास ही उसके मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषाई विकास, नैतिक विकास, व्यक्तित्व विकास, सारे विकास पर निर्भर करता है। कौन सा विकास, शारीरिक विकास। और शारीरिक विकास कौन है, वृद्धि है भाई। कोई बालक शरीर में बड़ा होगा तभी वो दिमाग में बड़ा होगा, तभी वो अन्य चीज़ों में बड़ा होगा। जब उसका शरीर ही नहीं बढ़ेगा, वो टिनगा रह गया, तो जाहिर सी बात है उसमें कुपोषण हो गया। तो पहली बात है वंशानुक्रम, वातावरण, दो तो बातें प्राकृतिक हो गई। अब हम आहार पर कंट्रोल कर सकते हैं, आहार बढ़ा घटा सकते हैं और बालक को कोई रोग ना हो, इसके लिए देखा होगा सरकार ने समुचित व्यवस्थाएं भी की हैं जन्म के बाद। पहले काफ़ी बच्चे जन्म के बाद मर जाया करते थे, अब तो जी जाते हैं, खैर सरकार ने इतनी इंतजाम धीरे धीरे होते चले जा रहे हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि हो गई, फिर इसके बाद किसकी बात आई, बुद्धि की। बुद्धि की जब बात करते हैं तो बुद्धि में याद रखेंगे बालक का कि बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल, बुद्धि लब्धि बड़ा मायने रखता है कि यदि किसी बालक की बुद्धि लब्धि 120 या इससे अधिक है, आईक्यू लेवल 120 आर मोर देन 120 है, तो बालक बहुत उच्च किस्म का होगा। अगर मैं जब बुद्धि लब्धि पढ़ा रहा हूँगा तो पूरी बात और क्लियर करूँगा। यदि किसी बालक का आईक्यू लेवल 90 से 110 है, इसका मतलब वो सामान्य बालक है, टेट वेट परीक्षा दे सकता है, सुपर टेट बढ़िया मास्टर बन सकता है। 90 से 110 वाला टीचर ही नहीं बन सकता, वो आईएएस भी बन सकता है, सामान्य बालक तो जो चाहे वो कर सकता है। ये सब कुछ करता चला जाता है किसके आधार पर, बुद्धि के आधार पर। हमने पीछे भी कहा था कि किसी भी बालक की परिपक्वता और शिक्षण उसके विकास से संबंधित है। अगर कोई बालक आईक्यू लेवल हाई है तो इसका मतलब उसका डेवलपमेंट ग्रोथ भी तो हाई होगा, ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट रेट भी तो उसका हाई होगा। अब जब किसी का आईक्यू लेवल डाउन होगा तो ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट रेट उसका डाउन होगा, है ना, बैकवर्ड हो जाएगा। अब और अगली बात कौन सी है, सेक्स, मींस अगर बालक है या बालिका, भाई दो ही होंगे, बालक बालिका, हाथी घोड़ा ऊंट बैल तो होने नहीं। अब अगर बालक है, ये बात और अच्छे से याद रखना, बालक है या बालिका है, बालक और बालिका में माइनर अंतर समझेंगे। अगर बालक है तो उसका ग्रोथ डाउन रहेगा, अगर बालिका है तो उसका ग्रोथ हाई रहेगा। बात समझ रहे हैं, मतलब बालक का विकास बालिका के विकास से मंद होता है, बालिका का विकास बालक के विकास से तीव्र होता है। क्या 100% केस में होता, नहीं। साइकोलॉजी बात को माई पहले से ही डिनोट करके चलती है कि 90:10, 90 हाँ 10% में उसके व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन बालिका का 90% केस में बालिका का ग्रोथ तेज होगा। अगर यौन में बालिका है तो बालक से विकास उसका ज़्यादा तेज होगा और वो
मानसिक, जब उसका शारीरिक विकास तेज है। अब आपने देखा होगा कि बालक कद में बालिका से कुछ लंबा होता है, लेकिन आप देखेंगे प्रारंभिक जो उसके चरण है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, उसमें आप देखेंगे बालिका आपको जल्दी हर चीज में, भाषाई विकास बालिका का तीव्र होगा, बौद्धिक विकास बालिका का तीव्र होगा, मानसिक विकास बालिका का तीव्र होगा, मतलब सारे सामाजिक विकास भी बालिका का तीव्र होगा। आपने ज्यादा बदतमीजी करते बालिका को कम देखा होगा, बालक लोग हैं बोधड़ बहादड़ हैं। तो अब ये है कि बालिका का विकास जो है वो बालक से ऑलरेडी जो है तीव्र होता है, तो ये बात भी पड़ती है, जो किसके आधार पर पड़ती है, सेक्स के आधार पर, यौन के आधार पर होती थी। ये सारी बातें हैं जो उसके अफेक्टिंग एरियाज को डिफाइन करती हैं। क्लियर? तो ये रही हमारी आज की क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में।